नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। मेरे पास कुछ कमेंट आए हैं, नेगेटिव कमेंट हैं, व्हाट्सएप पे भी आए हैं, इंस्टाग्राम पे भी आए हैं और यूट्यूब पे भी कुछ लोग कमेंट करते हैं। वो बोलते हैं कि आपको सोराइसिस कभी था ही नहीं, आप जो है अपने चैनल को ग्रो करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, मुझे सोराइसिस की प्रॉब्लम थी, लेकिन मैं किसी को सफाई देना नहीं चाहता हूँ जो लोग ऐसे कमेंट करते हैं। और आप जितने भी लोग जेन्युइन लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, उनको पता भी है कि मैंने सोराइसिस से सफ़र किया है, उनके साथ मैंने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया है, आप लोगों के साथ भी शेयर करता हूँ। लेकिन वो है ना, कुछ जो लोग होते हैं ना, वो गंदगी फैलाने का काम करते हैं और ऐसे लोगों को हमें सीरियसली लेना भी नहीं चाहिए। और मुझे उनको सर्टिफिकेट देने की कोई ज़रूरत भी नहीं है कि मुझे सोराइसिस था या नहीं था। जिनको पता है उनके लिए काफ़ी है, और जो लोग मुझे जानते हैं वो मेरे बारे में, मेरे बिहेवियर से, मेरे नेचर से बहुत अच्छे तरीके से परिचित हैं। मुझसे व्हाट्सएप पे बात करते हैं, मुझसे यूट्यूब पे कमेंट करते हैं और इंस्टाग्राम पे कमेंट करते हैं, लोगों ने फॉलो किया हुआ है। तो कुछ लोगों को चीज़ें हजम नहीं होती कि हमारा चैनल भी ग्रो कर रहा है। और आपके लिए गुड न्यूज़ ये भी है कि आपके सपोर्ट और प्यार की वजह से जो है हमारे चैनल को मोनेटाइज हो गया था, और अभी लगभग 5,500 से ऊपर सब्सक्राइबर अपने चैनल पर हो चुके हैं। तो ये सब आप लोगों का प्यार है, सपोर्ट है, ठीक है। और अगर मैं ऐसे काम करता तो इतने लोगों का सपोर्ट मुझे नहीं मिलता, जो मुझे मेरे चैनल को आगे बढ़ाने में मेरी हेल्प कर रहे हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, इतना प्यार कर रहे हैं। और अगर मैं अपनी व्हाट्सएप की चैट आपको दिखा दूँ तो इतना अच्छा अच्छा लोग मेरे लिए बोलते हैं, हमारे चैनल के लिए बोलते हैं, जो मैं लोगों की हेल्प करता हूँ, सपोर्ट करता हूँ, कैसी भी हो सकती है, वो डाइट चार्ट को लेके हो, उनकी डाइट को लेके हो, लाइफ स्टाइल को लेके हो, रूटीन को लेके हो। लेकिन मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ जो नेगेटिव कमेंट करते हैं कि आप जो है अपना दिमाग अपने पास रखिएगा, ज़्यादा गंदगी इस चैनल पे फैलाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत साफ़ सुथरा चैनल है, साफ़ सुथरा कंटेंट मैं देने की कोशिश करता हूँ। मेरा प्रयास ये रहता है कि हम जो है सीधा और सीधा उन चीज़ों पे काम करें कि जिससे बीमारी ही ना हो, ऐसी हम लाइफ स्टाइल, ऐसा रूटीन बनाएं। आप लोगों के सपोर्ट से, आप लोगों के प्यार से वो सारी चीज़ें हर व्यक्ति तक पहुंच जानी चाहिए कि जब हम बीमार ही नहीं होंगे तो हमें डॉक्टर की आवश्यकता नहीं होगी, हमें मेडिसिन की आवश्यकता नहीं होगी। तो ऐसा कुछ किया जाए इस देश में कि हम ऐसा कुछ करके जाएं कि लोगों को मेडिसिन की ज़रूरत ही ना पड़े, और वो बहुत आसानी से किया जा सकता है। आयुर्वेद में इसकी खुली चर्चा है। आप जानते हैं कि आपने जो है महर्षि सुश्रुत का नाम सुना है, महर्षि चरक का नाम सुना है, महर्षि वाग्भट का नाम सुना है। इन्होंने इतने सूत्र दिए हैं, इतनी सारी जो है चर्चाएं की हैं, आयुर्वेद पे पुस्तकें लिखी हैं और उसमें नियम दिए हैं। उन्हीं को अगर हम अच्छे से पढ़ लेंगे और वो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे, ठीक है। आयुर्वेद में इतना कहा गया है कि आयुर्वेद में जो आपकी रसोई होती है वो औषधि का भंडार है। मतलब हमारी रसोई में इतनी चीज़ होती है कि हम जो है लगभग 70 से 80% बीमारियाँ अपनी जो है रसोई से ख़त्म कर सकते हैं, जो बाकी जो अपनी जड़ी बूटियाँ या जो हमें प्रकृति से जो चीज़ें हमें डायरेक्ट मिलती हैं उनसे हम अपनी बीमारियों को खत्म कर सकते हैं। वाघभट्ट जी कहते हैं कि हम 80 से 85% बीमारियां अपने घर पे रहकर अपनी जो है ख़त्म कर सकते हैं और निरोगी रह सकते हैं। 10 से 15% हमें किसी चिकित्सक की आवश्यकता पड़ती है। 10 से 15% जो केस होते हैं, जो कि क्रिटिकल होते हैं, उसमें हमें विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है, वरना हमें डॉक्टर की आवश्यकता नहीं है। 80 से 85% बीमारी हम अपने आप से ठीक कर सकते हैं, थोड़ा सा अवेयर होकर, थोड़ा सा जागरूकता लोगों में करके, तो ये हम कर सकते हैं। और बाकी जो लोग बोलना चाहते हैं नेगेटिव के बारे में, आपके बारे में कुछ भी बोलना चाहते हैं, उनको बोलते रहने दीजिएगा, आप अपना काम कीजिएगा। अगर आपको कुछ भी फ़ायदा इस चैनल से हो रहा है तो सिर्फ आपको ये काम करना है, जो भी जानकारी है, अगर लोग स्वस्थ हो रहे हैं आपके कुछ बताने से, कुछ आपकी जानकारी शेयर करने से, तो ये आपका एक बहुत अच्छा कदम है। और इसके साथ मैं भी आपके साथ हूँ कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर किया जाए कि आप कैसे अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। आने वाली जो जनरेशन है, जो आपके बच्चे हैं, उनको आप क्या खिला रहे हैं, जंक फूड, फास्ट फूड, ठीक है, रसोई में उनको मैदे की चीज़ें, चीनी की चीज़ें और जो है बूरा और ये सारी चीज़ें, सफ़ेद नमक, ये स्लो पॉइजन है। तो ये सारी चीज़ें फैलानी है कि क्या क्या चीज़ें हमें नहीं खानी है, और एक अच्छा जीवन जीने के लिए और एक लंबा जीवन जीने के लिए थोड़ा सा जागरूक होने की आवश्यकता है। और जो लोग नकारात्मक सोचते हैं, नकारात्मक आपके बारे में बोलते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप कुछ ना कुछ अच्छा काम कर रहे हैं और लोग आपके लिए बैरियर का काम करेंगे, बाधा बनने का काम करेंगे। आप जो है इनको इग्नोर कीजिएगा और अपना काम मस्ती के साथ करते रहिएगा, ज़्यादा इन पर फोकस करने जरूरत नहीं है। आप अपने काम पे फोकस कीजिए और मस्त रहिए, चिल रहिए, ठीक है। और जिन इनको जो करना है करने दीजिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिएगा, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। तो चलिए, इस वीडियो में कहना मेरा सिर्फ इतना ही था। बाकी आपकी क्या राय है मुझे लेकर, मेरे चैनल को लेकर, तो ज़रूर कमेंट में मुझे बताइएगा। मैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए काम करता रहूँगा, सेवा करता रहूँगा, जितना भी मुझ पर जैसे भी हो पाएगा, जब तक जो है सांस है तब तक मैं आपके लिए सेवा करता रहूँगा, हेल्प करता रहूँगा, जो भी मुझसे हो पाएगी। तो इसी तरीके से प्यार अपना बनाते रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।